चंपारण में हुए हाथरस जैसी घटना में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 12 नामजद अभियुक्तों के घरों पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाकर आत्मसमर्पण करने को कहा है। इसके पहले पुलिस ने डुगडुगी बजाकर अभियुक्तों से आत्मसमर्पण करने को कहा था। इश्तेहार घोड़ा सहन के पुलिस इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह और कुंडवा जयपुर के थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में चिपकाई गई। बता दें कि यह घटना 21 जनवरी की है, जहां 12 वर्षीय बच्ची के साथ 4 मनचलों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद पुलिस संरक्षण में शव को जला दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 10 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। जी, हम इस खबर पर हमारे संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है इसमें? पुलिस 2 के अलावा किसी और की गिरफ्तारी कर पाई है या नहीं? जी, अभी 2 आरोपितों की सिर्फ गिरफ्तारी हुई है घटना के बाद में, लेकिन 12 अभियुक्त जो बचे हैं और फरार चल रहे हैं, जिसमें तत्कालीन थाना अध्यक्ष कुंडवापुर के संजीव रंजन हैं, वो भी फरार चल रहे हैं। लेकिन अन्य आरोपितों के मकान पर डुगडुगी बजाकर पुलिस के द्वारा ये इश्तेहार चिपकाया गया है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इस चोर सिपाही के खेल में पकड़ने वाले भी सिपाही हैं, पुलिस हैं, और भागने वाले भी अन्य आरोपितों के साथ पुलिस कह जाते हैं, जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। तो इसमें 2 आरोपियों के अलावा किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस आरोपियों के घर के बाहर इश्तेहार चिपका कर उनसे आत्मसमर्पण करने को कह रही है।